दोस्तों अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भाववापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ा सकते हैं या शंट क्या है इसका उपयोग लिखिए। दोस्तों शंट समझने के लिए आपको ये इंस्ट्रूमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा जो चित्र में बना हुआ है। देखिए ये इंस्ट्रूमेंट को हम धारा मापी या गैल्वेनोमीटर कहते हैं। आप देख रहे हैं इसमें एक सुई लगी है, इसमें दोस्तों अंदर एक कुंडली लगी होती है। जब आप इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली में विक्षेप होता है और कुंडली से सुई हिलती है। अब ये जो चल कुंडली धारा मापी है बहुत सुग्राही होता है। सुग्राही मतलब इंग्लिश में बोलते हैं सेंसिटिव होता है, मतलब अगर आप इसमें थोड़ी सी भी धारा प्रवाहित करेंगे तो इसकी कुंडली गर्म होकर जल हो सकती तो खराब हो जाएगा। तो हम करते क्या हैं, कैसे इसको बचाते हैं। देखिए ये अपना धारा मापी हो गया, इसमें ये धारा जाएगी, अगर ये बहुत सारी धारा इसमें से जाएगी तो ये धारा मापी जल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का, इस बात का ध्यान रखिएगा, अल्प बहुत कम प्रतिरोध का तार लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि आई में से कुछ भाग तो आई जी में इसमें से जाता है, बाकी जो धारा है वो संट में चली जाती है, तो धारा मापी में से ज्यादा धारा नहीं जाती है, तो धारा मापी अपना सुरक्षित बच जाता है। तो मैं बात कर रहा था कि चल कुंडली धारा मापी अत्यंत सेंसिटिव होता है और अगर इसमें से अधिक धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली गर्म होकर जल सकती है। सुरक्षा के लिए धारा मापी के साथ कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, मैंने समांतर लगाया है, एक अल्प प्रतिरोध जोड़ देते हैं जिसे हम शंट कहते हैं। शंट जोड़ने से क्या होता है कि धारा का अधिकांश भाग शंट में से होकर ही चला जाता है और धारा मापी अपना सुरक्षित बच जाता है। दोस्तों आप ये वाला चित्र बना दीजिए, ये तो फोटो है मैंने जो बताई थी, ये चित्र जरूर बनाइएगा, समझ में आएगा कि धारा मापी में धारा जा रही, कुछ धारा नीचे से जा रही, तो धारा मापी बच जाएगा। इस सवाल में दोस्तों हमें शंट के उपयोग भी बताने हैं, तो अगर आप एक उपयोग भी लिख देंगे तो चल जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया। फिर भी अगर आपको और ज़्यादा उपयोग लिखने हैं तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, पहला तो वही हो गया प्रबल धारा से धारा मापी कुंडली की सुरक्षा के लिए। दूसरा आप लिख सकते हैं धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए, यहाँ रूपांतरित करने के लिए लिखा है, आप बदलने के लिए भी लिख सकते हो। अगला है अमीटर की परास को बढ़ाने के लिए या धारा मापी की परास को बढ़ाने के लिए, तीनों में से कोई भी उपयोग आप लिख सकते हैं। नहीं भी लिखना तो एक तो हमने बता ही दिया कि जलने से बचाने के लिए। थैंक यू।